क्या सोच रहा है पुत्र? बेबे ये गुरनाम सिंह तो बड़े पक्के दिल वाला बंदा है, इतना बड़ा हार्ट अटैक आ गया उसे मगर फिर भी बच गया। पर बेबे मेरा दिल कहता है कि क्या कहता है तेरा दिल? बेबे मेरा दिल कहता है कि अब वो ज्यादा दिनों तक सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा पुत्र लाखा उसे सलामत रहने ही नहीं देगा। लाखा पुत्र ये गरजने का नहीं बरसने का वक्त है। दिल की बीमारी इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है, और फिर गुरनाम सिंह को तो दिल का दौरा भी पड़ चुका है, लोहा गरम है, कर दे चोट। बेबे चोट तो मैं कर चुका हूं, तेरे कहने से पहले ही कर चुका हूं। बेबे इस बार मैंने ऐसे मोहरे बिछाए कि ऊंट खुद ब खुद चलकर पहाड़ के नीचे आ जाएगा। अब पुत्र तूने किया क्या है मुझे भी तो बता। ओ बेबे गुरनाम सिंह के घर की बिजली और खेतों का पानी मोड़कर उसकी मुश्किलें तो मैं पहले ही बढ़ा चुका हूं, लेकिन अब मैंने ऐसा तीर छोड़ा है जिससे गुरनाम सिंह बच नहीं पाए, और मेरा वो तीर गुरनाम सिंह के घर पहुंचने ही वाला होगा। गुरनाम सिंह, गुरनाम सिंह जी, कहिए क्या बात है? गुरनाम सिंह को बुलाओ, हमें उनसे बात करनी। दारजी दवाई लेकर सो गए हैं। तो उन्हें उठाओ, कहो कि महेंद्र सिंह आया है। माफ कीजिए, इस वक्त मैं उन्हें नहीं उठा सकती। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। मैं उन लड़कियों से बात नहीं करता जिन्होंने अपने बाप की, अपने खानदान की और अपने पिंड की इज्जत पे कलंक लगाया हो। तुम बहनों की वजह से ही गुरनाम सिंह को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम लोगों की वजह से गुरनाम सिंह के खिलाफ हमें आज इतने सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। बस कीजिए, अगर आप यही कहने आए हैं तो आप जा सकते हैं। देखा भाइयों, इतनी भद्द पिटवाने के बाद भी इसमें जरा भी शर्म नहीं। अगर जरा भी इज्जत होती तो अब तक ये चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाती। कितनी बेशर्म लड़की है। खबरदार, खबरदार, जो इससे आगे एक भी लफ्ज कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। जुबान को लगाम दो लड़की, शायद तुम्हें भूल रही हो कि इस वक्त तुम इस पिंड के नए सरपंच से बात कर रही हो। मैं इस वक्त पिंड के उस इंसान से बात कर रही हूँ जिसे ये भी नहीं पता कि लड़कियों से किस तरह से बात की जाती है। इससे पहले कि मैं भी आप ही की तरह बदतमीजी से बातें करूं, आप यहां से चले जाइए। निकल जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक बात सुन लो। इस घर की बिजली और तुम्हारे खेतों का पानी इत्तेफाक से बंद नहीं हो गया, उसे मैंने ही बंद करवाया। आगे देखो इस पिंड में क्या क्या होता है। अरे गुरनाम सिंह को तो मैं सड़क पर ला दूंगा, और वो दिन भी दूर नहीं जब मैं गुरनाम सिंह को थक्के मार कर इस पिंड से निकलवा दूंगा। अरे उसकी रही सही इज्जत भी मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ाऊंगा कि वो रोना तो चाहेगा पर रो नहीं पाएगा। खबरदार,